मैम, सबसे पहले बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप इस साड़ी में। कुछ आप बताइए, कौन से डिजाइनर से लिए आपने ये साड़ी? कृति है, कृति वर्मा, वो हमारे शो के डिजाइनर है। और मैं तो यही कहूँगी, बहुत ब्यूटीफुल जो आपने पहना भी है, मतलब थोड़ा कुछ आप बताइए क्या है ये? ये तो मुझे भी नहीं पता, चोकर विद यू नो चेन्स। ओके ओके, जानती थी कि एकदम मैम अपने आर्टिस्ट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। और हाथों भी दिखाइए, मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने पहना है, मतलब डिजाइनर। ओके, वेलकम टू बालाजी फैमिली। बालाजी मतलब बालाजी में जो आर्टिस्ट आ जाता है तो मतलब समझ लो, मतलब बहुत मालदार बहुत हो जाता है उनके। ये करेक्ट है, मतलब बालाजी में जो आ जाता है तो बैंक मतलब आपके खाली नहीं रहेंगे, हमेशा भरे भरे रहेंगे। एंड यू विल नॉट, और आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। तो क्या कितनी एक्साइटमेंट है आप बेकाबू के लिए? मैं बेकाबू हो गई जब मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है। आई थिंक मेरे बेकाबूनेस को देख के ये नाम रखा गया, क्योंकि सच में मैं ओवरवेलम्ड हूँ दिस शो। मतलब मैं अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को ऐसे पहले कभी नहीं देखा है। और मेरा जो किरदार है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। इट्स अ फैंटेसी ड्रामा, जो मैंने पहले सुपरनैचुरल किया है वैसा कुछ भी नहीं है। एकदम अलग वे में प्रेजेंट होने वाली हूँ, अलग किरदार, जो बहुत ही मज़ेदार। ओके, शालीन और ईशा है इस शो में, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छे हैं दोनों, हैं उनके पैर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड हम लोग तो मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो ही गई है नरेशन के टाइम से, वी हैव अ गुड बॉन्ड। एंड अब तो ये बढ़ता जाएगा, भले ऑन स्क्रीन हम लोग यू नो परी एंड राक्षस रहेंगे, बट ऑफ स्क्रीन वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके, जब आपने ये फोटो शूट किया होगा, ये मतलब ये थोड़ा अगर आप बताइए कैसा रहा इसके बारे में थोड़ा? इस बस मतलब ब्लैक ड्रेस, नेकलेस, समय लिया लुक को यू नो फाइनलाइज करने के लिए। हमेशा ये पहले रेडी होती हूँ, फिर फोटोज जाता है, फिर वहाँ से ओके होके आता है, तभी जाके ओके होता है। तो ये मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मैं ओके, इस शो में शिवांगी भी है, काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस है, क्या कहना चाहोगे उनके साथ आप काम करने लगे? कि बातचीत हुई है या उनके काम को आपने देखा है कभी? हाँ, ऑफ कोर्स हमने पहले भी मतलब एक साथ एक शो में तो काम नहीं किया है, बट उसके शो में मैं गई थी एज अ गेस्ट, ऐसे मैंने पहले किया है। तो जब मैं नज़र कर रही थी और डेफिनेटली नज़र, हाँ जब आप प्रमोशन के लिए गए थे ये रिश्ता में, राइट राइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत है। मतलब बस यही कहूँगी कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा बेकाबू, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को एकदम हटके कुछ देखने को मिलेगा। मुझे भी एंड बाकी सभी एंड फुल स्टोरी इज सो डिफरेंट, तो कीप वॉचिंग बेकाबू फ्रॉम 18th मार्च सैटरडे संडे एट 9 PM ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू।